महामारी विरोध में महालढ़ई इतिहास रचिला भारत आज सारा देश में आरंभ है कोरोना टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे यार शुभारंभ करिसेंति। सारा देश एवं केन्द्र शासित अंचल रे प्राय 3000 टी केन्द्र रे कोविड टीका दिया जाउची। प्रत्येक केन्द्र रे सर्वाधिक 100 जन को कोविड 19 वैक्सीन दिया जिवो। टीकाकरण रो शुभारंभ करी प्रधानमंत्री टीका प्रस्तुतकारी को प्रशंसा करिसेंति। से कहिसेंति देश रे दुई प्रकार रो टीका प्रस्तुत करा जाइछि। जे माने टीका प्रस्तुत करिसेंति से माने प्रथमे टीका नेबे। टीका प्रस्तुतकारी प्रथम टीका नेबा पई हकदार। प्रथम पर्यायर 3 कोटी लोक टीका दिज्व। प्रथम पर्यायर समस्ते मागणा टीका ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी को अग्राधिकार मिल। भारत में टीकाकरण सारा विश्व बृहत्तम। विश्व में केवे कौन सीठे एभली टीकाकरण हो ना। विश्व में 100 टी देशर लोकों संख्या 3 कोटी कम। भारत में प्रथम पर्यायर 3 कोटी टीका देवार व्यवस्था हो। भारत विराट देश हो भी टीका प्रस्तुत कर सामर्थ्य देखाई। प्रथम पर्यायर सारा देश में 1 कोटी स्वास्थ्यकर्मी एवं 2 कोटी कोरोना योद्धा को टीका दिया जाएगा। मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में। सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए। इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसी गलती मत करना।